सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के प्रथम पाठ को करेंगे। पाठ का नाम है आपका सुक्ति रस अमृतम। जो आपकी सुक्तियाँ होती हैं वह हमारे जीवन में अमृत के समान होती हैं। उनसे हम अपनी शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को और भी सुखमय बना सकते हैं। यहाँ पर आपकी पहली सुक्ति है, पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाभ्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सत्ताम विभूत्य। यह सुक्ति आपकी परोपकारी व्यक्तियों के बारे में बताई गई है कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार होता है। जिस प्रकार नदी अपना स्वयं का जल नहीं पीती और ना ही वृक्ष अपने फल स्वयं खाते हैं और ना ही बादल, जिस अनाज पर बादल अपनी वर्षा करता है ना ही उस अनाज को बादल स्वयं ग्रहण करता है। उसी प्रकार जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं उनकी संपत्ति भी दूसरों के लिए ही होती है। जैसे इन्होंने उदाहरण में बताया है, नदी का जो जल होता है वह दूसरों के लिए है, वृक्षों के जो फल है वह भी दूसरों के लिए ही है, और जो बादल का जल है उसके द्वारा उत्पन्न किया गया अनाज है वह भी दूसरों के लिए ही होता है। इसी प्रकार आपके परोपकारी व्यक्तियों की संपत्ति भी दूसरों के उपकार के लिए ही होती है। यह आपकी बहुत अच्छी सुक्ति है। दूसरी सुक्ति देख लीजिए, मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव च अभिरत्ति आपनीय खेदम। यहाँ पर जो है आपका शब्द है, इसमें आपके तीन शब्दों का मेल हुआ है, च अभिरम्यति और अपनी है। यह आपके संधि होकर आपका इस प्रकार आपको शब्द दिखाई दे रहा है। इसका जो उच्चारण होगा आप अलग से भी कर सकते हैं संधि विच्छेद करके भी, और आप इस प्रकार भी अपना एक साथ इसका उच्चारण कर सकते हैं। लक्ष्मीम तनोति विनोति च दिक्षु कीर्तिम किम किम न साध्यति कल्पमेव विद्या। यह आपकी विद्या जो ज्ञान है उसके बारे में बताई हुई सुक्ति है कि जो आपकी विद्या होती है वह किस प्रकार हमारे जीवन में हमारे सभी कार्यों को सिद्ध करती है। वह आपकी माता के समान रक्षा करती है। जो आपकी विद्या होती है वह माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हितकारी कार्यों में लगाती है, और आपकी पत्नियों के समान सभी दुखों को दूर करके आपको प्रसन्नता लाती है, लक्ष्मी प्रदान करती है। और जो आपकी कीर्ति, कीर्ति का अर्थ होता है आपकी प्रसिद्धि, जो आपकी प्रसिद्धि है वह चारों ही दिशाओं में फैलाती है। कहा गया है कि जो विद्या है वह आपकी कल्प वृक्ष के समान होती है। कल्प वृक्ष आपका होता है जो आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष है, कि उस प्रकार ही आपकी विद्या क्या क्या आपके लिए सिद्ध नहीं करती, अर्थात वह आपकी सभी कल्पनाओं को पूर्ण करती है। आप अपनी तीसरी सुक्ति को समझ लीजिए, उद्योगिनम पुरुष सिंह उपेति लक्ष्मी ही देवेन देमिति कापुर सह वंदति देवम निहत्य कुरु पोर्षम आत्मसत्य यत्न कीर्ते यदि न सिद्धंति को अत्र दोषः। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया था तो मैंने आपका यह शब्द यहाँ पर लिख दिया है। इस वाले सुक्ति में आपके परिश्रम के महत्व को बताया गया है कि जो आपकी लक्ष्मी होती है वह परिश्रम करने वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। यहाँ पर बताया गया है कि जो लक्ष्मी है वह शेर के समान परिश्रमी पुरुष को ही प्राप्त होती है। जैसे शेर अपना शिकार स्वयं करता है, दूसरे का शिकार किया हुआ खाना शेर नहीं खाता है, उसी प्रकार परिश्रमी व्यक्ति भी स्वयं के परिश्रम से प्राप्त किए गए फल को ही ग्रहण करता है, दूसरों के परिश्रम को वह स्वीकार नहीं करता। और देवताओं और भाग्य के सहारे को कायर पुरुष ही बैठे रहते हैं कि जो होगा वह भाग्य में मिल जाएगा। जो इस प्रकार की भावना रखते हैं वह आपके कायर पुरुष होते हैं। कायर पुरुष कहने से अर्थ है कि जो परिश्रम करना नहीं चाहते। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह स्वयं ही परिश्रम करके लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। वह भाग्य के सहारे या देवताओं के सहारे कायर पुरुषों के समान नहीं बैठता है। परिश्रमी व्यक्ति
देवताओं को छोड़कर अपनी परिश्रम शक्ति पर विश्वास करता है। वह कहता है कि परिश्रम करने के बाद भी यदि कार्य सिद्ध नहीं होता तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। आपकी इस सूक्ति के कहने का भाव है कि यदि हम भाग्य के सहारे ही बैठे रहेंगे और कार्य पूर्ण नहीं होगा तो हम उसमें दोष भाग्य को देंगे, लेकिन जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वह कहते हैं कि परिश्रम करने के बाद भी यदि आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। आप अपनी अगली सूक्ति देख लीजिए। पापात निवार्यति योज्यते हिताय, गुह्यम निहिगुह्यति गुणान प्रकटी करोति, आपादगतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदम परवदन्ति संतः। यहाँ पर इस वाली सूक्ति में आपके अच्छे मित्र के लक्षणों के बारे में बताया गया है कि जो आपके अच्छे मित्र होते हैं वह आपके किस प्रकार कार्य करते हैं। यहाँ पर आपका बताया गया है जो आपके अच्छे मित्र होते हैं वह आपको पाप से हटाते हैं और आपके हित कार्यों में लगाते हैं। जो आपके निर्गुण यानी कि दोष होते हैं उनको छिपाते हैं और जो आपके गुण हैं उनको दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। आपादगतम च ना जहाति ददाति काले, इस वाली पंक्ति का भाव है कि विपत्ति के समय वह आपको छोड़कर नहीं जाते, वह आपको समय देते हैं। यह सभी आपके अच्छे मित्र के लक्षण संतों ने बताए हैं। इसमें आपके अच्छे मित्र के क्या-क्या लक्षण होते हैं आप इसको दोबारा एक बार समझ लीजिए कि वह आपको पापों से हटाता है, हित के कार्यों में लगाता है और जो आपके दोष होते हैं वह दूसरों से छिपाता है और दूसरों के सामने आपके गुणों को प्रकट करता है। विपत्ति के समय आपको समय देता है, वह आपको विपत्ति के समय छोड़कर नहीं भागता। यही सभी अच्छे मित्र के लक्षण साधु संतों ने बताए हैं। अगली सूक्ति है आपकी, गुणाहा गुणज्ञेषु गुणाहा भवन्ति ते निर्गुण्यं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद तयोः पर भवन्ति नद्य समुद्र मास दे भवन्ति पेयः। इस वाली सूक्ति का भाव है कि गुणी व्यक्ति के गुण तभी तक गुण होते हैं जब तक वह किसी निर्गुण की संगति में नहीं पड़ता। यहाँ पर जो आपका दोषा है यह है आपका निर्गुण यानी कि गुणों से रहित जो आपके दोष वाले व्यक्ति होते हैं उसके बारे में बताया गया है। यह आपके किस प्रकार होता है? जिस प्रकार नदी का जल तभी तक पीने योग्य रहता है जब तक वह समुद्र में या समुद्र के खारे पानी में नहीं मिलता, उसी प्रकार आपके गुणी व्यक्तियों के गुण भी होते हैं। यहाँ पर कहने का भाव है कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं वह अपने गुणों को तब तक ही बनाए रखते हैं जब तक वह किसी निर्गुण की संगति में ना आए। यदि वह निर्गुण की संगति में आ जाते हैं तो उनके गुण उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे नदी का जल तब तक ही पीने योग्य रहता है जब तक वह समुद्र के संपर्क में ना आए या समुद्र में ना मिले। जैसे ही समुद्र के खारे पानी में नदी का जल मिल जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता। अपनी अगली सूक्ति देख लीजिए। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी ही समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पन्थः परिचलन्ति पदम न धीरः। यहाँ पर आपके जो न्याय के पंथ पर चलने वाले धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो नीति में निपुण व्यक्ति होते हैं वह उनकी प्रशंसा करें या बुराई करे उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लक्ष्मी उनके पास अपनी इच्छा से आ जाए या अपनी इच्छा के अनुसार उसके पास से चली जाए तो न्याय के पथ पर चलने वाले व्यक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह आज ही मृत्यु को प्राप्त हो या वह युगों के बाद मृत्यु को प्राप्त हो, युगों के बाद मृत्यु को प्राप्त कहने से अर्थ है कि वह युगों तक जीवित रहे, न्याय के पथ पर चलने वाले व्यक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह इन सभी परिस्थितियों में भी
अपने न्याय के पथ से एक पद भी विचलित नहीं होता। यह आपके धैर्यशाली व्यक्तियों की विशेषता बताई गई है। जो आपके धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, उनकी कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, उनके पास लक्ष्मी आ जाए या अपनी इच्छा से चली जाए, वह आज ही मृत्यु को प्राप्त कर जाए या वह युगों तक जीवित रहे, वह न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते, जो आपके धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं। यह आपकी सुक्ति रसम अमृतम जो पाठ है, यह आपके जीवन में अमृत के समान आपको सुख देने वाली होती है। इसे ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन को और भी अच्छे से सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। यह आपके पाठ के शब्द अर्थ हैं, आप इनको याद कर लीजिए। यह आपके पाठ समझने में सहायता करेंगे, आप इनको याद कर लीजिए। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।